कनाडा हाईवे से आपको खुश आमदीद है, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अभी पीछे सुबह से मैं दिखा रहा था कि कितना बड़ा स्नो का इवेंट था जो सारे मैंने कैप्चर किए आपके साथ। और अब देखें ये जो नई एरिया शुरू हो गया, बिल्कुल तकरीबन जो है ना वो ना होने के बराबर है, स्नो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये कनाडा की ब्यूटी है कि कोई एरिया में आप देखेंगे वेदर हो जाता है, और किस एरिए में आप देखेंगे एकदम जो है ना वो स्नो पहाड़ और फिर डिफरेंट जो है ना चेंजिंग हो जाती है। और ये भी इस कंट्री की नेचुरल ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वाकईतन ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें जो आपको झीलें भी मिलेंगी खूबसूरत जो है ना, आपको जंगल ग्रीन हर किस्म के दरख्त नायाब दरख्त और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो नज़ारे, छोटे बड़े पहाड़, हर चीज़ आप देखेंगे। मैंने आपको वैंकूवर से जो है ना वो तकरीबन 4000 किलोमीटर सारा कुछ दिखाया है। मेरी जो वीडियो है आप इंग्लिश में भी है और आप शेयर भी करेंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी, तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और आप ये नज़ारे मैं आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। अभी आगे बहुत से बहुत ज़बरदस्त जो सीन है जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट सीन अभी रह रहे हैं जो आप देखना चाहेंगे, और मैं आपको दिखाऊँगा। कनाडा की खूबसूरती ये है कि इसमें जो रोड्स हैं या जो सिस्टम है वो इतने अच्छे हैं कि बर्फ़ की में भी ये रोडें चलती रहती हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। कुछ देर के लिए अगर वो बहुत सीरियस स्ट्रॉन्ग हो तो ये लोग बंद कर देते हैं, वरना ये जो है ना सफ़र जारी रहता है। बल्कि प्रोविंस टू प्रोविंस में ये ट्रांस कैनेडा जो बिल्कुल मेन हाईवे है जो सारी प्रोविंस को वैंकूवर से टोरंटो तक इकट्ठा करती है, यहाँ पे बीच हैं, लेक हैं, खूबसूरत जो है ना वो फार्म हैं, फिर छोटे छोटे गांव हैं, खूबसूरत आप चारों तरफ देखेंगे कि जो इतने हसीन जो दरख्त हैं बहुत किस्म के जो आपको सिर्फ यहीं पे देखना है दिखाई देंगे। फिर जो मूस जिसको बोलते हैं डियर मूस, और डियर भी कुछ एरियों में पाए जाते हैं, और छोटी छोटी आबादियाँ भी हैं जिसमें लोग जो है काफ़ी रहते हैं। तो ये वाकईतन बहुत खूबसूरत मुल्क है, वाकईतन जो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको नेचुरल ब्यूटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। वैसे भी ये दुनिया का बड़ा मुल्क है, आपको पता है कि रशिया के बाद ये मुल्क के लिहाज से सबसे बड़ा है। आबादी जो है ना ज़्यादातर यूएस बॉर्डर ये 100 जो किलोमीटर रेडियस में ही रहती है, बाकी ये जो आपने मैंने दिखाया इस एरिया में जो मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो है आबादी है, कुछ 100,000 लोग इस तरह हर एरिए में, कुछ बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी, माइनिंग और गोल्ड कंपनियों के, और बाकी ये है कि इसी तरह के नज़ारे आपको जो है ना वो मिलने को देखने को मिलेंगे। तो ये सिटी है, वेबवुड में दाखिल हो गए, छोटी छोटी सिटी है, छोटी छोटी जगह है जिसमें होटल भी बने हुए हैं, साथ में जो है ना गैसोलीन स्टेशन भी है, और साथ में जो है ना वो कुछ एरियों में रिहायशी भी हैं, कुछ लोग भी रहते हैं। तो बड़ा मतलब कुछ कहते हैं ना लोग पसंद करते हैं कि दे लाइक टू लिव इन स्मॉल विलेज लाइफ। सो ये है जनाब एक छोटा सा गांव। तो अब इसको आप देखें कि बिल्कुल सादा किस्म के घर बने हुए हैं, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं
सादगी से गांव की जो जैसे विलेज की में सादा से घर बने होंगे, लेकिन वही स्टाइल है कैनेडियन, स्ट्रक्चर भी तकरीबन वही है, छोटे हैं लेकिन खूबसूरत बने हुए। बाकी जो आप चारों तरफ से देखेंगे तो खूबसूरती खूबसूरती है, और उसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ जो भी हो सके। पीछे जो थोड़ा सा बर्फ और तूफान ने इंटरप्ट किया हुआ था, बड़ी ही और मुश्किल था, तो अब आगे जो दो तीन जो सीढ़ी आ रही हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगा। नहीं जो फ्लो ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया है इसमें काफ़ी जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं, और ये रोड बिजी रहता है तकरीबन, रात को थोड़ा कम ट्रैफिक रहती है, लेकिन अगर आप दिन को ट्रैफिक देखें तो होती है। और आप भी कोशिश करें अगर आपका आना हुआ तो आप जो है ना दिन को ही सफ़र किया करें, और शाम होते ही जो है ना थोड़ी सी बाद में आप रेस्ट कर लें, फिर आप जो है ना सब जगह सफ़र कर सकते हैं। अभी तो मैं रह रहा है पहुँचा नहीं हूँ टोरंटो में, बाकी ओटावा, हैदराबाद, लंदन, बहुत बड़े तकरीबन ज़्यादा आबादी इसी एरिए में रहती है, उसको भी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगा। लेकिन कोशिश किया है कि मैंने जो है ना ये सारी इसको कहते हैं ना कि एरिए को कैप्चर कर लूँ, और उसकी जो लेटेस्ट जो मार्च 22 है आज क्या कैसे लग रहा है, क्या सिचुएशन है, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है अभी तक, बहुत ही मज़े कर रहा है, एंड आई एंजॉयड माई जर्नी, एंड आई होप कि आप भी जो है ना इसको इंजॉय कर रहे हैं। मैंने जो सिलसिला शुरू किया था आपके साथ के भाई